नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेन और आप देख रहे हैं बोले तो टेक। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में ना हम ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको बहुत ही पैसा कमा के देने वाला, मतलब एक तरीके से ग्रैंड आप एक ऐसी चीज़ बना देंगे ना जिसको खुद को आपको इस लेवल पे ले जाएगी जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। लेकिन ये चीज़ है कैसे, इसके लिए मेहनत कितनी करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, आइडिया क्या है, इस बारे में बात करना चाहूँगा आप लोगों से। ठीक है, वीडियो में चलने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो करना क्या है, वही करना होता है, आपको लाइक करना होता है, कोई सवाल है कमेंट कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है किसी फ्रेंचाइजी बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं boletotech@gmail। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके मैसेज भी कर सकते हैं, वहाँ थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। क्या है वो @boletotech और मेरी पर्सनल है @narendra.bohra। तो चलेंगे सर, टाइम ना वेस्ट करते हुए और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, अगर आप मुझे चैनल इस चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि चैनल को द्वारा थोड़ा सा पैसा मिल जाए एक्स्ट्रा तो आपकी भलाई के लिए आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेके आऊँगा। नरेंद्र NARENBOHRA@YBL ये मेरी UPI ID है, आप मुझे यहाँ पे ईजिली आप मुझे यहाँ पे UPI कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू यू ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, 10-20 रुपये आप करना चाहते हैं वो भी आप मुझे कर सकते हैं। सो अब यहाँ बात करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हैं, किस बिजनेस के बारे में बात करो। आपको ना अपने एरिया में अपने लिए आपके पास एक ज़मीन है, आपको घर बनाना है, आपको अपना ड्रीम होम बनाना है। ठीक है, सो आप क्या करेंगे पहले, आप करें सोचेंगे कि पहले किसी ठेकेदार को पकड़ लेता हूँ, तो ये आपने पकड़ लिया। लेकिन आप उसको ना उस जितने ठेकेदार होते हैं उन्होंने ना स्पेसिफिकली क्या होता है कुछ सिमिलर काम किए होते हैं, मतलब उनको दो चार चीज़ें पता होती है तो उसी में पूरा ज़िंदगी वो खेलते रहते हैं। अच्छा ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। ठेकेदार वो होता है कि जैसे उस पर वो उतना उसका हाथ सेट नहीं होता कि भैया इसमें इतनी स्पेस निकल जाएगी या फिर इसका एलिवेशन इतना अच्छा आएगा घर का, इसमें ये चीज़ आ सकती है, ये रूम छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, यहाँ हो सकता है, वहाँ हो सकता है। वो बोलेगा सर ऐसा कुछ नहीं होता, मैं आपको बना के दे दूँगा, बढ़िया, चिंता मत करो, आप निश्चिंत होकर सो जाओ। और ना आपको प्राइस का एस्टिमेटम दे पाएगा कि एक्जैक्टली कितना प्राइस लगने वाला है, इतने कॉलम पे, इतने स्पेस पे, इतना ये हो सकता है। वो काम कौन करता है, वो करता है आर्किटेक्ट। वो कौन करता है, वो करते हैं सिविल इंजीनियर करते हैं स्पेसिफिकली, हाँ भैया ये। सो जो लोग सोचते हैं क्योंकि घर बनाना छोटी बात नहीं, बात नहीं, घर मतलब आपके सपनों का घर होता है, आपने कितने पैसे इन्वेस्ट करते हैं सोचते हैं कि घर बनाएंगे। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं ना ये आर्किटेक्ट हो गया या फिर सिविल इंजीनियर हो गया या फिर ये सब चीज़ें उसके फैंसी नेम है, नक्शा पास करवाना हो गया, बनवाना हो गया, ये सब बेकार की चीज़ें हैं और इनमें ना पैसा बहुत खर्च होता है। ऐसा नहीं है, इन चीज़ों में अगर आप करवाते हैं तो आपका जो घर है ना वो बहुत अच्छा बनता है। अच्छा बनता है क्योंकि आर्किटेक्ट उसने पढ़ाई यही करी है यार, उसने यही बोला कि घर को अच्छा सुंदर मैं कैसे दिखा सकूँ। आप चाहेंगे ना अच्छे घर में सुंदर घर में रहना, या आपको कैसा भी घर बना के दे दो सेम टू सेम, इसका भी घर ऐसा बना दिया, इसका भी घर ऐसा बना दिया, और आप चाहेंगे ना कि आपको एक एक चीज़ पता हो कि भैया इतने फुट पे ये कॉलम पड़े हैं, ये उसका बेस है, RCC का ये है, यहाँ पे प्लिंथ लेवल है, ये है वो, आप ये सब जानना चाहेंगे ना, जानना चाहेंगे अपने घर के बारे में जिसमें आप इतना पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, और घर बनाने में और शादी करने में अपने बच्चों की या फिर खुद की भी जितना पैसा सोचते हैं ना उससे ज़्यादा ही लगता है, ये मैंने सुना है अपने पापा से। ठीक है, शायद होता होगा, मुझे नहीं पता, होता है तो कम से कम लिख सकते हैं, लेकिन होता ही है। सो मैं आपको एक कहानी क्यों सुना रहा हूँ, ठीक है, मैं कहानी इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि ये भी आपकी लाइफ में कभी ना कभी हुआ होगा। शायद आप कोई देख रहे हो कि मेरी जो वीडियोज़ हैं वो सब ऑलमोस्ट जो 25 से 45 का ग्रुप एज है वो ज़्यादा देखता है, तो आप इस एज में होंगे, शायद आप घर बनाना चाहते हैं। ठीक है, या आप ऐसे बिजनेस के बारे में देख रहे हैं या आपने घर बना चुके हैं, ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें प्रॉब्लम आई होगी। आपने किसी आर्किटेक्ट को हायर किया था, किसी सिविल इंजीनियर को आपने कंसर्न किया था कि हाँ भैया कैसे हो सकता है, या आपने ठेकेदार पकड़ा था या फिर हो गया काम। ठेकेदार एक्सपर्ट होता है यार, उसके पास होते हैं वर्कर, जो लेबर होते हैं वो होते हैं, ठीक है, वो उसको उस पर एक्सपर्ट है कि उनसे काम कैसे निकलवाना है, कितने टाइम पे करवाना है, बाकी उसको इतना कुछ पता नहीं होता। ठीक है, वो आपको रफली इन्वेस्टमेंट की पैसे पर बता देगा कि इतना पैसा लगेगा, इतना नहीं लगेगा। सो यहाँ पे आपको करना क्या है, अब मैं बता दूँ, हटाओ इन सब चीज़ों का, अब बता दो बिजनेस कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, अब बताना चाहूँगा इस बिज़नेस को लेकर मैं अभी बहुत पॉजिटिव हूँ। अगर आप चाहते हैं कि हम मिलकर बिजनेस करें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, boletotech@gmail, आप उसको पता है। इसमें क्या है ना, एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोग बनाएंगे, एक ऐसी एप्लीकेशन बनाएंगे लाइक Amazon। ठीक है, उस बंदे वो बंदा है, हम लोग सर्विस प्रोवाइड करेंगे ऑल ओवर इंडिया में घर बनाने के लिए, ऊपर आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर,
आपको पेंटर चाहिए, कारपेंटर चाहिए, ऑलमोस्ट सिर्फ सिर्फ घर को लेके, ठीक है। आपको नक्शे चाहिए ऑनलाइन, वो भी है। आपको फ़ोन पे कॉल सेंटर से चाहिए, वो भी प्रोवाइड कराई जाएगी आपको। एक तरीके से पूरा ही आपके लिए अच्छी डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइन करवाना है वो भी आपके लिए है। आपको कुछ भी कराना है घर को लेके, यार मेरा घर ना 10x12 का वो फ्रंट होना चाहिए, 12x13 का होना चाहिए, 20x30 का होना चाहिए, इतने 100 गज का है, 150 गज का है, 70 गज का है, छोटा सा घर है, बड़ा घर है, इसमें मैं कैसे यूटिलाइज कर सकूँ, मतलब एवरी थिंग आपको सर्विस हम लोग प्रोवाइड करके देंगे। हमको क्या करना है, हमको एक प्लेटफॉर्म बनाना है, ऐप बनाना है, उसको ऐसा लेवल पॉपुलर करना है कि इसको जो आर्किटेक्ट हैं आपके एरिया के ऑल ओवर इंडिया में, वो ऐसे ज्वाइन करें ऐसे सर्विस प्रोवाइडर, और जो कस्टमर हैं वो अपनी सर्विस लेने के लिए आपके संग आए। इसमें आपको एक मीडिएटर बनना है, आपको एक प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइड करनी है, आपको गारंटी देनी है कस्टमर को, जैसे अमेज़ॉन करता है सेलर और बायर के बीच में, कि आपको चीज़ें अपने नाम की गारंटी पे आपको चीज़ें प्रोवाइड करवानी है। हमें करना क्या है, अमेज़ॉन की तरह हमको लिस्ट कराना है आर्किटेक्ट को, सिविल इंजीनियर्स को, जो अलग अलग कंपनी जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं उनको लिस्ट कराना है अपने, इसमें अलग अलग छोटे से लेके बड़े प्राइस रेंज के, जो प्राइस वो हमें प्रोवाइड करेंगे या फिर हमारी जगह के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से किस प्राइस रेंज में आते हैं उनको फिट कराना है, ठीक है। कस्टमर और जैसे अमेज़ॉन में जो आते ख़रीदने आते हैं, अगर मुझे चश्मा ख़रीदना है तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं बायर्स के लेके, ठीक है। मैं उनकी रेटिंग देखूँगा, मैं उनका काम देखूँगा, सो मैं डिसाइड करूँगा हाँ ये आर्किटेक्ट और ये चश्मा मेरे लिए अच्छा है तो मैं ऐसा बाय कर सकता हूँ, उसकी सर्विस लूँगा, वो हमारे थ्रू ही जाएगा। कस्टमर के पास कोई सामान जाता है तो अमेज़न क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, किससे, सेलर जो होता है, हम लोग चार्ज करेंगे अपने आर्किटेक्ट से, जो चार्ज करेंगे क्योंकि हम लोग सर्विस प्रोवाइड कराने में काम दे रहे हैं, ठीक है। हम सेलर से ऐसे सर्विस चार्ज लेंगे अपनी प्लेटफॉर्म फीस का, कि हाँ हमारी जिम्मेदारी है जब तक आपका काम नहीं होता। वो सेलर जो होगा पैसे हमको देगा, आर्किटेक्ट डायरेक्टली नहीं देगा। साइंस ऑफ गारंटी होती है कि हाँ कुछ काम में गड़बड़ है, ये है वो है, पेमेंट का टाइम पे हम लोग गारंटी बैठे हैं उसके लिए, कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है ख़राब ना हो, ये ना हो, भाग ना जाए बंदा, तो उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो इसमें ये बिजनेस बन सकता है, इसके अंदर बहुत ही अच्छा है अगर इसको आप ठीक से समझेंगे ना, क्योंकि मैं तो बहुत क्लियर हूँ इस प्लेटफॉर्म को लेकर, इस बिज़नेस को लेकर, कि हाँ ये बहुत चलने वाला है। मैं ना ज़्यादा इस चीज़ को इतना कैजुअली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस चीज़ को समझाने के लिए वो सब चीज़ें इन्वेस्टमेंट इसमें ठीक ठाक जाएगा, मैं मानता हूँ। मार्केटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है यार, सेकेंडरी है आपकी क्वालिटी, मार्केटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट। आप चलिए कितने भी बढ़िया शेफ़ हो, आप क्या खाना बनाते हो, लेकिन आपको दो बजे बात को जानता ही नहीं है तो क्या फ़ायदा। हमको उस लेवल पे पहुँचना है कि हाँ भैया कि एक लेवल है, अमेज़ॉन एक नाम है, तो उस लेवल पे पहुँचने के लिए इन्वेस्टमेंट भी ठीक ठाक चाहिए होगा, पॉपुलरिटी ठीक ठाक चाहिए होगी, तो हमें वो करना है। तो हम एक प्लेटफॉर्म बना दिया हम लोगों ने, उसके बाद ये काम करेगा कुछ साल या फिर कुछ महीने या साल, इसमें हम लोग इस प्लेटफॉर्म में ऐसे ही काम करेंगे मीडियोटर। उसके बाद होगा असली खेल। उसके बाद एक कंपनी आएगी जैसे एंटोन क्लाउड टेल है, जैसे फिर हमारी एक कंपनी आएगी, ठीक है। उसमें करना क्या, हम लोगों यही करना है कि हम अपनी सर्विस देंगे, हम बोलेंगे कि हमसे ले लो, हमारी कंपनी से ले लो, आपको डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा, आप इस पॉपुलर आर्किटेक्ट से बनाना चाहते हैं, हम आपको ये करके देंगे। सो आपको फिर बाद में अपनी कंपनी के थ्रू फैलो बढ़वाना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ना उन जो आर्किटेक्ट है उनको प्रॉब्लम भी नहीं होगी, क्योंकि कस्टमर चूज़ करेगा आपके, उसकी सर्विस भी चूज़ करेगा, तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ना आपके जो क्लाइंट होंगे, जो आर्किटेक्ट होंगे, जो सिविल इंजीनियर होंगे, उनको भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जो आपके सेलर होंगे, और अगर इनडायरेक्टली कहूँ तो। सो ये सेकेंडरी लेवल की चीज़, इसमें लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी हैं अगर आप देखेंगे ध्यान से तो। इसमें आप लोग इसमें सप्लायर भी जोड़ सकते हैं, मटेरियल सप्लायर जो होते हैं, आपको बंदा हमारे पास आएगा तो हम उसको बता सकते हैं कि हाँ आपके नक्शे के हिसाब से या फिर आपके कंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपको ये मटेरियल लेना पड़ चाहिए और आपको यहाँ से लेना चाहिए, ठीक है। सो हमारा क्या होगा, यहाँ से भी कमीशन है, वहाँ से भी कमीशन है, लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आपका नाम, ये नाम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी बिजनेस के लिए। टाटा का नाम ही है ना, अच्छे सप्लायर होंगे, थॉरोली चेक के होंगे, तभी हम लोग कर सकते हैं। नहीं तो इसके हम लोग अगर सप्लायर हम किसी को भी पैसों के लिए किसी को भी हम लोग अगर देते हैं तो बहुत गलत चीज़ है। तो यहाँ पे सिर्फ होगा कि हाँ अपनी क्वालिटी पे ध्यान रखना है, हमको एक तरीके से सुपरवाइज़ करना है और यहाँ पे काम करना है। जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं, इसके लिए लॉट्स ऑफ एफर्ट चाहिए होंगे, बहुत अच्छी टीम चाहिए होगी, इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, ठीक से टेबल पर बैठ के बात करनी होगी। आप करना चाहते हैं इसमें बहुत ही अच्छा बिजनेस है, लेकिन इसको ठीक तरीके से करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे तभी होगा। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही होगी शायद अभी, लेकिन इसमें बहुत प्रॉफिट है,
जो इस फील्ड से रिलेटेड है ना, वो आपने कभी देखा है किसी डीलर को, बिल्डर को, क्यों डीलरशिप लेते हैं? वो एक घर बिकवा दिया तो उसको 2 लाख का प्रॉफिट हो गया, उसे ऐसे कमीशन मिल गई, घर 40 लाख 50 लाख के फ्लैट, दिल्ली में तो कुछ भी नहीं है, 1 करोड़ के फ्लैट जाते हैं, तो बंदे कितने में होगा? इसमें बहुत पैसा है यार, इस बंदे मतलब अंधा पैसा है एक तरीके से कहूँ तो। सो यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं बिज़नेस, बहुत ही अच्छा है। अगर आप इस बिज़नेस से, इस फील्ड से रिलेटेड हैं या फिर करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं boltodec@gmail, या मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे भी कर सकते हैं। अगर आप कोई और कुछ पूछना चाहते हैं इस बारे में, क्या करना, कुछ नहीं करना, लिख दो या फिर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके मैसेज कर दो, या फिर मुझे आप मेल कर दो। ठीक दोस्तों, ये ऐसा बिज़नेस है जो आप अगर अभी शुरू करते हैं तो इसमें आप कभी डाउनफॉल देखेंगे नहीं। घर बनना, इंटीरियर सामान, ये सब चीज़ें कभी बंद नहीं होती। लोग घर बनवाते रहते हैं, रिनोवेशन करते रहते हैं, नई नई चीज़ें आती रहती हैं। सो इससे ना क्या बहुत सारी चीज़ें हैं यार, मैं सबको डिस्क्लोज नहीं करना चाहता वीडियो के अंदर, क्योंकि ये एक तरीके का बिजनेस आइडिया है जो बहुत ही अच्छा है। लेकिन चलिए कर लीजिए आप, अगर आपके पास है, करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है। मैं तो बैठा ही यार बिजनेस आइडिया देने के लिए, ठीक है। इसमें ना आपके पास डाटा आएगा, और डाटा इज़ अ किंग, शायद आपको पता हो या ना हो, पता हो। आपके पास जितने इंटीरियर डिज़ाइनर हैं वो आपके संग जुड़ेंगे, वो आपके लिए काम करेंगे, इनडायरेक्टली काम करेंगे। सिविल इंजीनियर्स होंगे, आर्किटेक्ट्स होंगे, कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे, कंपनीज होंगी, कारपेंटर्स होंगे, और भी चीज़ होंगी। तो आपके पास डाटा आएगा कस्टमर्स का, क्या क्या उन्हें चाहिए, किस हिसाब से चाहिए। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आ रही होंगी या नहीं आ रही होंगी, आई डोंट थिंक। अगर ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद आपको समझ में आ रही होंगी या नहीं आ रही होंगी, लेकिन ये है बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस, ठीक है। सो आप कर सकते हैं, मैं तो इस बिज़नेस को लेकर बहुत पॉजिटिव हूँ। अगर आप ये करते हैं तो बहुत अच्छी कंपनी ग्रोथ करेंगे, मतलब ये ऐसा बिज़नेस नहीं है जो इसमें आप लोग 5 करोड़ या 10 करोड़ पे कमाएंगे भैया, ये तो बियॉन्ड द कुछ नहीं कर सकता इसमें मैं। 1000 करोड़ की कंपनी भी आप लोग इजीली खड़ी कर सकते हैं इसके अंदर, बस आपके एग्जीक्यूशन पे, आपके डेडिकेशन पे। मैंने ऐसे बिजनेस देखे हैं ना जो बहुत ऊपर तक जाकर डूब गए हैं। नियत, किसी का बुरा मत करो, चलते रहो, अपना कर्म करते रहो बस, ठीक है। और कभी लालच मत लाओ यार, लालच आ गया हटाओ इसको, इस पार्टनर को हटाओ, मैं खुद ही कर लूँगा। लालच जहाँ आता है ना, पैसा जहाँ पे बीच में आता है, वो सब ख़त्म हो जाता है। लालच मत करना कभी भी लाइफ में, आप बहुत सक्सेसफुल रहोगे। मेरा नाम है नरेंद्र, मिलूँगा आपसे अगले दिन से बात करेंगे किसी और बिजनेस से, फ्रेंचाइजी या बोलते हैं। धन्यवाद।